स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है समक्ष पाट जी का। ये पूछते हैं, सर जी कैन यू गिव मी एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रियलमी 55 इंच टीवी। तो समक्ष जी, रियलमी 55 इंच टीवी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ये थोड़ी सी हटके टीवी है, यहां पे अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये पहली टीवी है जो एसएलईडी टीवी होने वाली है। एसएलईडी टीवी बेसिकली यहाँ पे आपको बैकलाइटिंग है वो थोड़ी सी अलग है इस टीवी की। यहाँ पे आरजीबी बैकलाइटिंग है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू कलर्स यूज किए गए हैं बैकलाइटिंग में। नॉर्मल जो एलईडीज होती है वहाँ पे जो बैकलाइटिंग होती है वो ब्लू कलर की बैकलाइटिंग होती है। जो सारे कलर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिकली ब्लू कलर की बैकलाइटिंग से प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे जो है तीन कलर्स यूज किए गए हैं। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपको ज्यादा कलर्स ये बैकलाइटिंग प्रोड्यूस कर सकती है। टेक्निकली 108% NTSC कलर गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा पॉइंट, ये लो एमिशंस प्रोड्यूस करता है, आपकी आंखों को कम खराब करता है। स्पेशली जब व्हाइट कलर प्रोड्यूस करना होता है बैकलाइटिंग को तो ज्यादा ब्लू रेज एमिट होती है, ज्यादा ब्लू लाइट यूज होती है उसमें और वो आपकी आंखों को खराब करती है। तो इस टीवी को TUV Rheinland सर्टिफिकेशन है लो ब्लू लाइट एमिशन का, जो अक्सर OLED TVs में देखा जाता है। तो OLED TVs और SLED TV Realme की इन टीवी में आपको ये सर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो ये टीवी आपकी आंखों को कम खराब करेगी और साथ ही साथ आपको 108% NTSC कलर गैमेट देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ हटके किया है Realme ने, डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज है। बाकी एंड प्रोडक्ट कैसे बन के आता है वो तो टीवी आने के बाद पता चलेगा। प्राइसिंग कितनी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं Realme की 55 इंच टीवी की जो बाहर हुई है, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। समर्थ जी, और क्योंकि आपने समक्ष जी और क्योंकि आपने सवाल पूछा है और काफी और लोग भी ये सवाल पूछते हैं, तो आई एम श्योर आपको डिटेल्स मिल गई होंगी। और जैसे ही Realme की 55 इंच टीवी की और डिटेल्स आती है मैं इस चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है हमजा चुकन जी का। ये पूछते हैं, सोनी X8000H वर्सेस सैमसंग Q60R, वी गॉट इट इन द सेम प्राइस, विच इज बेस्ट, प्लीज रिप्लाई, विच इज बेस्ट टीवी इन 43 इंच साइज। तो बेस्ट 43 इंच टीवी आज की डेट में मैं हमेशा बोलते आया हूं X8000H ही है। Q60R भी बहुत बढ़िया टीवी है लेकिन X8000H उसको दो चीजों में बीट करती है। पहली तो बात है इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत बढ़िया है, आपको HDR कंटेंट X8000H में ज्यादा बेहतर देखने को मिलने वाला है कंपेयर टू Q60R। और दूसरा पॉइंट, व्यूइंग एंगल्स, X8000H के व्यूइंग एंगल्स बहुत बढ़िया है, IPS पैनल के साथ आता है। Q60R QLED है लेकिन व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे नहीं है, VA पैनल लगा हुआ है। तो ये दो रीजंस के वजह से मैं X8000H को हायर रेट करूंगा। Q60R भी अच्छी टीवी है लेकिन इन दोनों में से अगर टीवी चूज करनी है तो X8000H ही आपको लेना है। और क्योंकि आपको दोनों सेम प्राइस में मिल रही है तो प्राइसिंग का भी कुछ क्वेश्चन यहां पे आता नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है मोहित त्रिपाठी जी का। ये पूछते हैं, सर प्लीज रिप्लाई, सोनी X9500G वर्सेस सैमसंग Q80R QLED वर्सेस सैमसंग Q80T 55 इंच। देखिए इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात भी किया था लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। इन तीनों टीवीज में से तीनों टीवीज काफी अच्छी हैं। सैमसंग Q80R को साइड में रख लेते हैं क्योंकि उसे मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूँगा इन दोनों टीवीज के सामने। सोनी X9500G वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है अगर आपको कंटेंट देखना है टीवी पे। 1000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत बढ़िया टीवी है। जो HDR कंटेंट है इस टीवी में आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। Q80T बहुत बढ़िया टीवी है, VA पैनल के साथ आती है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी बढ़िया है, साथ ही साथ उसमें अल्ट्रा वाइड व्यूइंग एंगल का फिल्टर लगा हुआ है तो आपको व्यूइंग एंगल्स भी बहुत देखने बढ़िया देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ HDMI 2.1 पोर्ट भी है तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तभी भी आपको ये टीवी बहुत बढ़िया रहेगी। तो अगर आप मुझसे ये दोनों टीवी में पूछे तो मैं Q80T को ही रेकमेंड करूंगा लेकिन दोनों टीवीज की प्राइसिंग में काफ़ी फ़र्क है मेरे हिसाब से। X9500G जहां तक मैंने देखा था लास्ट मार्केट में 1 लाख
8000 110000 के ब्रैकेट में मिल रही थी 55 इंच, और Q80T 130-135000 में मिल रही थी। ये जब मैं गया था शायद आपके यहाँ कम मिले, तो करीबन 20-25 हज़ार का फ़र्क था। तो उस हिसाब से आप अगर आपको गेमिंग अगर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, HDMI 2.1 पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए वेरिएबल रिफ्रेश रेट में, अगर आपको गेमिंग नहीं करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप X9500G ही लीजिए। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है वेरिएबल रिफ्रेश रेट्स के साथ, तो आप Q80T के साथ जाइए, क्योंकि प्राइस डिफरेंस है। अगर आपको दोनों टीवी सिमिलर प्राइस में मिल रही है, तो मुझे प्लीज़ बताइए उस जगह का नाम जहां आपको मिल रही है, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो भी शायद जानना चाहेंगे, क्योंकि Q80T सच्ची में वन ऑफ द बेस्ट टीवीज़ है आज के डेट में जो आपको मार्केट में करेंटली मिल रही है। इसके बाद अगला सवाल है पिनाकी चौधरी जी का। ये पूछते हैं, सर जी एनी इन्फॉर्मेशन ऑन बाइंग एक्सटेंडेड वारंटी आफ्टर बाइंग सोनी 9500G from Amazon? Can anyone buy official Sony extended warranty from Sony if purchased from Amazon? Problems start after natural warranty expires. It's quite essential to buy extended warranty for such high prices, price devices. Pinaki ji, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और काफी लोग ये सवाल पूछेंगे, काफी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सवाल ये है कि इनने Amazon से टीवी खरीदी है या शायद खरीदने वाले हैं, तो क्या Amazon से टीवी लेने के बाद ये ब्रांड से एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, जब आप कहीं से भी टीवी लेते हैं, तो जो नॉर्मल वारंटी होती है एक साल की, या फिर कोई टीवी पे आपको एक साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, एक साल की पैनल पे वारंटी, वो मिल जाती है आपको, वो डेफिनेटली मिलती है। अमेजोन पे जो थर्ड पार्टी वारंटी प्रोवाइड करते हैं वो आपको वारंटी देते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रांड की वारंटी चाहिए तो वो आपको ब्रांड ही देता है, और आपको ब्रांड ईजिली देगा अगर आपकी टीवी वारंटी के अंदर है, फर्स्ट ईयर ऑफ वारंटी के अंदर है, और उस बीच में आपको एक्सटेंड करवानी है वारंटी, आप इमीडिएटली जाके ले सकते हैं फर्स्ट ईयर। लेकिन फर्स्ट ईयर आपका हो जाता है, उसके बाद लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो भले आप कहीं से भी लीजिए, अमेज़न से लीजिए, फ्लिपकार्ट से लीजिए, कोई भी साइट से लीजिए, अगर आपकी टीवी वारंटी में है आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, ब्रांड वारंटी ले सकते हैं ब्रांड को कॉल करके, ब्रांड से कनेक्ट करके, तो पॉसिबल है पिनाकी जी। और कई लोगों को ये सवाल आता है, तो ये बहुत ही इजी फैक्टर है, आप कहीं से भी लीजिए, आप ब्रांड वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं ब्रांड को कॉन्टैक्ट करके, ब्रांड के कस्टमर केयर पर आप कॉल कीजिए, आपकी वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी। अगला सवाल है आकाश पंजवानी जी का, ये भी बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है सबके लिए। इनका सवाल है, सर आई हैव परचेज LG CX 55 इंच OLED टीवी फ्रॉम योर रिकमेंडेशन, ऑसम टीवी, सर नीड सम टिप्स टू अवॉइड पिक्सल बर्निंग। कई लोगों को ये सवाल होता है कि हम OLED टीवी लेंगे तो क्या बर्निंग इश्यूज आएंगे, क्या पिक्सल बर्न हो जाएंगे, तो क्या टिप्स होनी चाहिए अवॉइड करने के लिए? पहली तो बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, जो ये हवा है कि पिक्सल्स बर्न हो जाते हैं, बर्न इश्यूज आते हैं OLED में, ये 2017 के मॉडल्स में थे, 2018 के बाद ऐसे इश्यूज नहीं आते हैं। फिर भी टेक्निकली ये पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग पिक्सल्स होते हैं, अलग जो OLED का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, नॉर्मल LED जैसे नहीं होता है। तो अगर आप एक ही चैनल देख रहे हैं, और चैनल पे क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, चैनल पे लोगो कांस्टेंट होता है, तो अगर आप एक ही चैनल देख रहे हैं लगभग 2-3 दिन कंटिन्यूस, तो वो जो एरिया होता है, वो लोगो का जो एरिया होता है, मानिए अगर आप स्टार स्पोर्ट्स देख रहे हो, तो स्टार स्पोर्ट्स का जो स्टार का साइन है, स्टार स्पोर्ट्स जो लिखा हुआ है, वो एक कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब चेंज होता रहेगा, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया है, वो टेक्निकली बर्न हो सकता है। अगर आप बाद में चैनल चेंज करें, तो आपको वो स्टिल वो स्टार का साइन है और जो स्टार का जो लोगो है आपको दिखाई दे, ये टेक्निकली एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और साथ ही साथ जो OLED टीवीज होती हैं, सोनी की टीवीज या फिर LG की टीवी, वो आपको एक ऑप्शन देती है पिक्सल रिफ्रेश का, आप वो दबा सकते हैं, आप वो जब भी अगर आपको लगे कि आपने बहुत देर तक टीवी देखी हुई है, आप एक क्लिक पे वो बटन दबा सकते हैं। सोनी की टीवीज में भी ऑप्शन आता है, LG की OLED टीवीज में भी ऑप्शन आता है, उससे वो पिक्सल्स रिफ्रेश हो जाती हैं। ऑटोमेटेड रिफ्रेश का भी ऑप्शन होता है, अपने आप टीवी रिफ्रेश करती रहती है, ये शायद LG की टीवीज में आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन से वो बर्निंग इश्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कंटिन्यूस 2-3 दिन तक देखें, यूजुअली कोई नहीं देखता ऐसे, कंटिन्यूस 2-3 दिन तक किसी की भी टीवी एक ही चैनल पे ऑन नहीं होती है,
मैं तो किसी को भी नहीं जानता जो ऐसे यूज़ करता है टीवी को, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, कभी भी बर्निंग इश्यूज़ नहीं आएगा। ओलेड जो बर्निंग इश्यूज़ थे वो 2017 के पहले के मॉडल्स थे, अभी वो इश्यूज़ नहीं आते हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। कमिंग फ्राइडे मैं लाइव इंस्टाग्राम पे आने वाला हूँ। अक्टूबर 2nd है, छुट्टी का दिन है, सब लोग छुट्टी पे होंगे। टाइम क्या होगा वो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल के आपसे पूछूंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर टाइम स्लॉट है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम लाइव सेशन पर। वहाँ पर मैं लाइव आपके सवालों के जवाब दूंगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे कहीं आ जाएगा इंस्टाग्राम आईडी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा, क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन यानी कि सुपर डील्स की तरफ। दोस्तों, हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स चुने हुए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर टेलीविजन्स हैं, एसीज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉचेज हैं, और भी कई प्रोडक्ट्स है, हेडफोन्स है, ईयरफोन्स, साउंड बार्स, होम थिएटर, सब हमने आपके लिए चुने हुए हैं। उन प्रोडक्ट्स को जरूर जाके चेकआउट कीजिए। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों का शेयर करना, और जो लोग नए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।